होने के बाद जहां देश में चीजें सामान्य हो गई हैं, तो वहीं 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोले जाने की बात कही जा रही है, जिसके बाद धार्मिक नगरी वाराणसी में भी बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार खोलने को लेकर तमाम तरह के एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में सरकार द्वारा दी जाने वाली गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं को 2 गज दूरी बनाने के लिए मंदिर परिसर में गोला बनाया गया है और पूरे मंदिर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसके साथ ही अब श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ की झांकी दर्शन करनी होगी। दर्शन के समय श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। तो वही बाबा विश्वनाथ की पूरे दिन में 5 समय होने वाली आरती में अर्चकों की संख्या में भी कमी की गई है। केवल 3 अर्चक ही बाबा विश्वनाथ की आरती करेंगे। हर आरती के पहले पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज करने की व्यवस्था कराई जाएगी। फिलहाल 2 महीने से अधिक समय हो चुके हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर को खुले हुए। से धर्म क्षेत्रों को खोलने का अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। हम लोग इंतजार में हैं कि जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा भी इसके विषय में कोई गाइडलाइन जारी की जाती है या आदेश निर्गत किया जाएगा, हम लोग तत्काल मंदिर खोलने की कार्य को करेंगे। और जो भी गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी या केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, उस सबका अनुपालन करते हुए करेंगे। स्थानीय स्तर पर जो तैयारियां हमने करी हैं उनको मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो जो श्रद्धालु हमारे दर्शन करने के लिए आएंगे, पहला स्टेज उनका जो बिल्कुल गेट, सड़क के पास जो गेट है, एंट्री गेट, वहीं पर उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग के बाद उचित पाए जाने वाले लोगों को अंदर भेजा जाएगा। अंदर आने के बाद एक कैचमेंट एरिया के बाद 2-2 मीटर के गोले, 2-2 मीटर की दूरी पर हमने मार्किंग करी हुई है जहाँ पर श्रद्धालुओं को खड़ा होना होगा। कोई भी श्रद्धालु जब अगला गोला खाली होगा तभी आगे बढ़ेगा। और इसी तरीके से 2 एंट्री गेट है, रानी भवानी उत्तरी और पश्चिमी, उन दोनों ही एंट्री गेट्स पर हमारे यहाँ ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन हम लगा रहे हैं, सेंसर बेस्ड, जिसमें टच की ज़रूरत नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और मंदिर में घुसने से पूर्व अपने से हाथ को सैनिटाइज करना होगा। उसके उपरांत अंदर घुसने के बाद भी गर्भगृह तक जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग ड्यूटी के माध्यम से इंश्योर करेंगे कि 2 मीटर से कम की दूरी ना होने पाए श्रद्धालुओं के मध्य। और गर्भगृह के अंदर प्रवेश वर्जित होगा, स्पर्श दर्शन नहीं होगा और जो पुजारी होंगे उन्हें टीका लगाना अलाउड नहीं होगा। ना ही अर्पित किया हुआ कोई पुष्प या फूल आदि वापस लेने के लिए पुजारियों को भी मना किया जाएगा। और जब एक श्रद्धालु दर्शन करके आगे बढ़ जाएगा तभी दूसरे श्रद्धालु को आगे आने दिया जाएगा ताकि 2 मीटर से कम की दूरी ना होने पाए। एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग बनाए गए हैं ताकि जो लोग अंदर आ रहे हैं, जो वहाँ से दर्शन करके निकल रहे हैं, उनके बीच में कोई संपर्क ना हो। और जो मंदिर की सफाई की व्यवस्था है, 5 बार आरती होती है, हर आरती से पूर्व गर्भगृह की सफाई की जाती है। तो हम लोगों ने इसका भी इंतजाम किया है कि हर बार आरती से पूर्व गर्भगृह की सफाई के साथ साथ पूरे मंदिर को भी इंडस्ट्रियल सैनिटाइजर से प्रॉपर सैनिटाइज किया जाए। और इसके माध्यम से हमें पूरा भरोसा है कि हम श्रद्धालुओं की अभिलाषा भी पूरी कर पाएंगे और जो मंदिर प्रांगण में COVID-19 की वजह से कोई दुष्प्रभाव ना पड़े इसका भी ध्यान रख पाएंगे। द्वारा 8 जून को मंदिर खुलने के बाद से मंदिर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार है कि सरकार कब आदेश देगी।